भारत में तीन आंग्ल मराठा युद्ध हुए हैं। ये तीनों युद्ध 1775 ईस्वी से लेकर 1818 ईस्वी तक चले। ये युद्ध ब्रिटिश सेनाओं और मराठों के बीच हुए थे। इन युद्धों का परिणाम यह हुआ कि मराठाओं का पूरी तरह से पतन हो गया। मराठों में पहले से ही आपसी मतभेद थे, जिसका फायदा उठाकर अंग्रेजों ने उन्हें मसल डाला। आज हम इन युद्धों में से प्रथम युद्ध के बारे में बात करेंगे, किस तरह से युद्ध की शुरुआत हुई और उसका क्या भारतीय राजनीति पर असर पड़ा। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त बजरंग प्रजापति। आज हम बात करेंगे प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के कारण और उसके परिणामों के बारे में। यह युद्ध कब लड़ा गया और किस हालात में लड़ा गया। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का प्रमुख कारण मराठों के आपसी झगड़े तथा अंग्रेजों की महत्वाकांक्षाएं थी। मुगलों के पतन के समय भारत में मराठा शक्ति उदित हो रही थी, अतः जो शक्ति भारत में प्रमुख स्थान प्राप्त कर रही थी उसका अंग्रेजों के साथ संघर्ष होना स्वाभाविक था। कंपनी सदैव इस बात का ध्यान रखने लगे कि वह ऐसा कोई कार्य न करे जिससे मराठों के साथ उसे सीधा संघर्ष करना पड़े। फिर भी कंपनी अपनी नीतियों को कार्यान्वित करने का प्रयास करती रही। 1758 ईस्वी में अंग्रेजों में मराठों के बीच एक समझौता हुआ, जिसके अनुसार अंग्रेजों ने मराठों से 10 गांव प्राप्त किए तथा मराठा क्षेत्र में कुछ व्यापारिक सुविधाएं भी प्राप्त की। 1759 ईस्वी में ब्रिटिश अधिकारी प्राइस व थॉमस वाटसन पुनः गए। इन दोनों का उद्देश्य मराठों से सालसेट व बसीन प्राप्त करना था। इस बार भी सालसेट व बसीन के संबंधों पर कोई समझौता नहीं हो सका, क्योंकि पेशवा माधवराव मैसूर के शासक हैदर अली के विरुद्ध अंग्रेजों की सहायता चाहते थे, किंतु कंपनी ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। फिर भी मार्टसन ने पेशवा को आश्वासन दिया कि कंपनी मराठों से कभी युद्ध नहीं करेगी और यदि कोई तीसरी शक्ति मराठों से युद्ध करती है तो कंपनी मराठों के विरुद्ध सहायता नहीं देगी। 18 नवंबर सन 1772 ईस्वी को पेशवा माधवराव की निसंतान मृत्यु हो गई, अतः उसका भाई नारायण राव पेशवा की मनसब पर बैठ गया, परंतु उसका चाचा राघोबा रघुनाथ राव स्वयं पेशवा बनना चाहता था। अतः राघोबा ने अपनी पत्नी आनंदीबाई के सहयोग से 13 अगस्त 1773 को नारायण राव की हत्या करवा दी और अपने आप को पेशवा घोषित कर दिया। परंतु मराठों में एक ऐसा व्यक्ति भी था जिसके नेतृत्व में मराठा सरदारों ने उसका विरोध किया। वह व्यक्ति था बालाजी जनार्दन, जो नाना फडणवीस के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। नाना फडणवीस के नेतृत्व में मराठों ने बाराबाई संसद का निर्माण किया और शासन प्रबंध अपने हाथों में ले लिया, किंतु उनके सामने समस्या यह थी कि किसे बनाया जाए पेशवा। जिस समय नारायण राव की मृत्यु हुई थी उस समय उसकी पत्नी गंगाबाई गर्भवती थी। 18 अप्रैल 1774 ईस्वी को उसने एक बालक को जन्म दिया जिसका नाम माधवराव द्वितीय रखा गया। बाराबाई संसद ने माधवराव द्वितीय को पेशवा घोषित कर दिया तथा नाना फडणवीस को उसका संरक्षक नियुक्त किया। बाराबाई संसद ने राघोबा को गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया। इस पर राघोबा ने दिसंबर 1774 ईस्वी में थाना पर आक्रमण कर दिया, किंतु वह पराजित हुआ और वहां से भाग खड़ा हुआ। राघोबा भागकर बंबई गया और काउंसिल के अध्यक्ष हारनबाई से बातचीत की। तत्पश्चात कंपनी की बंबई शाखा और राघोबा के बीच 6 मार्च 1775 ईस्वी को संधि हो गई, जिसे सूरत की संधि कहते हैं। इस संधि की शर्तें निम्न प्रकार से थी। राघोबा ने अंग्रेजों को बंबई के समीप स्थित सालसेत द्वीप, थाना जम्बूसर का प्रदेश तथा बसीन को देने का वचन दिया। अंग्रेज राघोबा को पेशवा बनाने में मदद करेंगे। सूरत की संधि के अनुसार बंबई सरकार राघोबा से 1.5 लाख रुपए मासिक खर्च लेकर उसे 2,500 सैनिकों की सहायता देगी। अपनी सुरक्षा के बदले राघोबा कंपनी की बंबई शाखा को 6 लाख रुपए देगा। यदि राघोबा पुणे से कोई शांति समझौता करेगा तो उसे अंग्रेजों को भी शामिल करना पड़ेगा। कंपनी की बंबई शाखा ने यह संधि गवर्नर जनरल को बिना पूछे तय की थी तथा रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कंपनी की बंबई शाखा इसके लिए अधिकृत नहीं थी। संधि के बाद हॉर्नबाई ने केवल पत्र लिखकर इसकी सूचना गवर्नर जनरल को भेज दी। इस संधि के कारण ही अंग्रेज और मराठों के संघर्षों का सूत्रपात हुआ तथा मार्टसन ने मराठों को जो आश्वासन दिया था उसे इस संधि द्वारा तोड़ दिया गया। राघोबा ने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण संपूर्ण मराठा जाति की प्रतिष्ठा को बलिदान कर दिया।
अब जानते हैं युद्ध की शुरुआत कहां से हुई। सूरत की संधि के बाद बंबई सरकार ने राघोबा की सहायता हेतु एक सेना भेजी। अंग्रेजी सेनाएं पूना की ओर बढ़ी। 18 मई 1775 को अंग्रेजों एवं मराठों के बीच अरास नामक स्थान पर युद्ध हुआ, जिसमें मराठे पराजित हुए। अंग्रेजों ने सालसेट पर अधिकार कर लिया, किंतु इसी समय बंगाल काउंसिल ने हस्तक्षेप किया, क्योंकि बंबई सरकार ने यह समझौता बिना बंगाल काउंसिल की स्वीकृति से भंग किया था। बंगाल काउंसिल ने सूरत की संधि को स्वीकार कर युद्ध बंद करने का आदेश दिया, क्योंकि यह संधि राघोबा द्वारा हस्ताक्षरित है और अब वह पेशवा नहीं है। सूरत की संधि से कंपनी को अनावश्यक युद्ध में भाग लेना पड़ा है। मराठा शक्ति से अंग्रेजों को कोई क्षति नहीं हुई है, अतः उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का उन्हें कोई औचित्य नहीं है। यह संधि रेगुलेटिंग एक्ट के विरुद्ध है। बंगाल काउंसिल ने युद्ध बंद करने का आदेश दिया था, फिर भी युद्ध बंद नहीं हुआ। तब बंगाल काउंसिल ने कर्नल आप्टन को मराठों से बातचीत करने पूना भेजा। आप्टन के पूना पहुंचने पर युद्ध बंद हो गया। पूना में ऑप्टन और मराठों के बीच मतभेद उत्पन्न हो गए, क्योंकि ऑप्टन ने राघोबा को सौंपने से इनकार कर दिया तथा वह सालसेट और बसिन पर अधिकार बनाए रखना चाहता था। अतः वार्ता असफल हुई और युद्ध पुनः शुरू हो गया। मराठों ने बड़ी वीरता का प्रदर्शन किया, किंतु दुर्भाग्य से पेशवा का विद्रोही मराठा सरदार सदाशिव एक दूसरे मोर्चे पर मराठों के विरुद्ध था। मराठे दो मोर्चों पर युद्ध नहीं कर सके और उन्होंने अंग्रेजों से 1 मार्च 1776 को पुरंदर की संधि कर ली। अंग्रेजों ने राघोबा के लिए जो रकम खर्च की है, उसके लिए मराठा अंग्रेजों को 12 लाख रुपए देंगे। सूरत की संधि को रद्द कर दिया गया। मराठों ने राघोबा को 3,15,000 रुपए वार्षिक पेंशन देना स्वीकार कर लिया। राघोबा अब कोई सेना नहीं रखेगा तथा गुजरात में कोपर गांव में जाकर बस जाएगा। युद्ध में अंग्रेजों ने जो क्षेत्र प्राप्त किए हैं, वे अंग्रेजों के ही पास रहेंगे। इस संधि पर मराठों की ओर से सुखराम बापू ने तथा अंग्रेजों की तरफ से कर्नल आप्टन ने हस्ताक्षर किए, किंतु बंबई सरकार तथा वॉरेन हॉस्टिंग्स इस संधि को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। इसी बीच मराठों ने विद्रोही सदाशिव को पकड़ लिया तथा उसकी हत्या कर दी। अब मराठे अंग्रेजों से निपटने के लिए तैयार थे। स्थिति उस समय और भी अधिक जटिल हो गई जब 1778 में एक फ्रांसीसी राजदूत सेंट लुबिन फ्रांस के सम्राट का पत्र लेकर मराठा दरबार में पहुंचा। मराठों ने उसका शानदार स्वागत किया, किंतु जब अंग्रेज राजदूत मार्टसन पूना पहुंचे तो उसका कोई विशेष स्वागत नहीं किया गया। अतः यह अफवाह फैलने लगी कि मराठों व फ्रांसीसियों में संधि हो गई। उधर मार्टसन ने मराठा दरबार के एक मंत्री मोरोबा को अपनी ओर मिलाकर नाना फडणवीस और सुखराम बापू में फूट डलवा दी। सुखराम बापू, जो पुरंदर की संधि का हस्ताक्षर करता था, उसने गुप्त रूप से बंबई सरकार को लिखा कि राघोबा को पेंशन बनाने में वह भी मदद देने को तैयार है। अतः बंबई सरकार ने कहा कि चूंकि पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर करने वाला स्वयं हमारे निकट आ रहा है, इसलिए पुनः युद्ध चालू करने पर संधि का उल्लंघन नहीं माना जा सकता। बंगाल काउंसिल ने इसका विरोध किया, किंतु वॉरेन हॉस्टिंग्स ने बंबई सरकार का समर्थन किया। यद्यपि मराठों ने स्पष्ट कर दिया कि फ्रांसीसियों के साथ उनकी कोई संधि नहीं हुई है तथा सेंट लुबिन को भी वापस भेज दिया गया है, किंतु हॉस्टिंग्स ने मार्च 1778 में बंबई सरकार को युद्ध करने का अधिकार प्रदान कर दिया। बंबई सरकार ने कर्नल एग्डस के नेतृत्व में एक सेना भेजी, किंतु जब वह मराठों के हाथों पराजित हुआ, तब उसके स्थान पर कर्नल काकबर्ग की नियुक्ति की गई। मराठा सेना का नेतृत्व महादजी सिंधिया व मल्हार राव होलकर कर रहे थे। मराठा सेना धीरे धीरे पीछे हटती गई और ब्रिटिश सेना आगे बढ़ती हुई पूना से 18 किलोमीटर दूर तेलगांव के मैदान तक जा पहुंची। 19 जनवरी 1779 को तेलगांव पहुंचते ही अंग्रेजों को मालूम हुआ कि मराठों ने उन्हें तीन ओर से घेर लिया है। इस पर मराठों ने आगे बढ़कर आक्रमण कर दिया। दोनों पक्षों के बीच भीषण युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेज पराजित हुए। इस पराजय के साथ ही बंबई सरकार को एक अपमानजनक समझौता करना पड़ा। 29 जनवरी 1779 को दोनों पक्षों में बड़गांव का समझौता हुआ, जिसकी शर्तें थी अंग्रेज राघोबा को मराठों के हवाले कर देंगे। अब तक अंग्रेजों ने जिन मराठे प्रदेशों पर अधिकार किया है, वे सभी मराठों को सौंप देंगे। अब तक अंग्रेज इन शर्तों को पूरा न करें, तब तक दो अंग्रेज अधिकारी बतौर बंधक मराठों के पास कैद रहेंगे।
बड़गांव का समझौता अंग्रेजों के लिए घोर अपमानजनक था। स्वयं हेस्टिंग्स ने कहा कि जब मैं बड़गांव समझौते की धाराओं को पढ़ता हूं तो मेरा सिर लज्जा से झुक जाता है। अतः हेस्टिंग्स ने उस समझौते को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और दूसरी का नेतृत्व कर्नल गागड़ कर रहा था। जब नाना फडणवीस को अंग्रेजों के आक्रमण की सूचना मिली तो उसने नागपुर के शासक भोंसले, हैदराबाद के निजाम तथा मैसूर के शासक हैदर अली को अपनी ओर मिलाया था। अंग्रेजों पर आक्रमण की योजना तैयार की, किंतु हेस्टिंग्स ने कूटनीति से निजाम व भोंसले को मराठों से अलग कर दिया। कर्नल गार्डर्ड अहमदाबाद व बसीन पर अधिकार करके 1780 में बड़ौदा पहुंच गया। उसने बड़ौदा के शासक फतेह सिंह गायकवाड़ से संधि की और पूना की ओर बढ़ चला। अतः अगस्त 3, 1780 को ग्वालियर किले पर अधिकार कर लिया। तत्पश्चात सिपरी नामक स्थान पर महादजी सिंधिया व पोफम के बीच भीषण युद्ध हुआ, जिसमें महादजी सिंधिया पराजित हुए। 13 अक्टूबर 1781 को उसने अंग्रेजों से संधि कर ली। इस संधि में एक महत्वपूर्ण धारा यह थी कि महादजी मराठों व अंग्रेजों के बीच संधि करवा देगा तथा उस संधि का पालन करवाने हेतु स्वयं अपनी गारंटी देगा। गुजरात में कर्नल गार्डर्ड व मराठों के बीच युद्ध चल रहा था। ब्रिटिश सेना के दबाव को कम करने के लिए नाना फडणवीस ने हैदर अली को कर्नाटक पर आक्रमण करने को कहा। इस पर हैदर अली ने कर्नाटक पर धावा बोल दिया। इसके बाद तो अंग्रेजों की निरंतर पराजय होने लगी। ब्रिटिश सेना का मनोबल गिरने लगा। अतः हेस्टिंग्स ने एंडरसन को मराठों के बीच बातचीत करने के लिए भेजा। बातचीत के दौरान हेस्टिंग्स ने एंडरसन को तथा नाना फडणवीस को जो पत्र लिखे उनसे स्पष्ट होता कि वह संधि के लिए अत्यधिक व्यग्र हो रहा था। 17 मई 1782 को अंग्रेजों और मराठों के बीच सालबाई की संधि हो गई, जिसकी शर्तें ये थी। इसके अनुसार सालसेट और थाना दुर्ग अंग्रेजों को मिले। अंग्रेजों ने राघोबा का साथ छोड़ने का आश्वासन दिया तथा मराठों ने रघुनाथ राव राघोबा को 25,000 रुपये मासिक पेंशन देना स्वीकार कर दिया। अंग्रेजों ने माधवराव द्वितीय को पेशवा तथा फतेह सिंह गायकवाड़ को बड़ौदा का शासक स्वीकार कर लिया। बड़ौदा के जिन भूभागों पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया था उन्हें पुनः बड़ौदा के शासक को लौटा दिया। इस संधि की स्वीकृति के 6 माह के अंदर हैदर अली जीते हुए प्रदेश लौटा देगा तथा वह पेशवा कर्नाटक के नवाब और अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध में सम्मिलित नहीं होगा। सालबाई की संधि का महत्व यह था कि इसके बाद 20 वर्षों तक अंग्रेजों में मराठों के बीच शांति बनी रही। तो यह था किस्सा प्रथम आंगल मराठा युद्ध का। दोस्तों, आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ऐसे ही अन्य वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी एक और ऐसे ही दिलचस्प किस्से के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।